हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बार मैगनेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। जिमें कि आप कल किया ना भी अपने एक कॉयल दे विच पहला करंट नू कैरी करवाया सी, फिर उनू मैगनैटिक डायपोल दे थ्रू शो करवाया सी। एवें अज आप करांगे बार मैगनेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। ओके जी, देखो पहला मैं तुम्हें दसदी हाँ, वैसे तुम्हें सोलेनोइड देखे ही होना। आ मान लो मेरे को एक मैं मटीरियल ला लिया, ये उपर मैं की करूँगी वायरस रैप कर लूँगी। वायरस मैंने रैप कर लिया, वायर जो रैप कितिया तो ये वायरस इन्हों सारे मैंने एक बैटरी के नाल जोड़ता। जो मैंने बैटरी नाल जोड़ता दैन की होगा मेरे को करंट प्रोड्यूस होजू। करंट प्रोड्यूस के नाल आपां नूं पता भी ये मैगनैटिक फील्ड भी जनरेट होगा। जो मैगनैटिक फील्ड जनरेट हो गया दैन जी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग प्रोड्यूस होगा। इन द फॉर्म ऑफ रिंग जिमें अपने करंट कैरिंग कॉयल दे विच नू शो किया सी ना मैगनैटिक डायपोल की तरह, उस तरह ही भी ये जो मैगनैटिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू करंट जिहड़ा आप प्रोड्यूस होगा करंट थ्रू बैटरी है ना, वो जिहड़ा इन द फॉर्म ऑफ रिंग प्रोड्यूस होगा। और जो मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ रिंग तो एक पोल मतलब एक एंड यदा नॉर्थ पोल की तरह एग्जिस्ट करूगा तो एक एंड अपना कि तरह एग्जिस्ट करूगा साउथ पोल की तरह। ठीक है, ये वाली फिगर तो समझ आ गई ना। हुण एवें मैंने आ फिगर बनाई हुई है, देखो आ अपने को फिगर है सारी है ना। आ देखो मैंने एक मटीरियल ला लिया जिदे उपर सारिया जिहड़ियां वायरस ने रैप कीतियां होईयां ने, मैंने एवें रैप कीतियां होईयां ने। ठीक है, यदा एक पोल अपने को एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एग्जिस्ट करूगा एंड एक एंड कि तरह एग्जिस्ट करूगा साउथ पोल की तरह। ठीक है जी, ये भी गल पता है। हम तुम ये तो गल पता ही है भी इन फिजिक्स आप डेरीवेशन सारे एलीमेंट्स की मतलब टोटल मटीरियल की नहीं कर सकते। आप पहला वो समॉल एलीमेंट लैने वो आप डेरीवेशन करते हैं फिर उन्होंने टोटल दे कन्वर्ट करते हैं थ्रू इंटीग्रेशन। तो मैंने भी ऐ लिया भी जिवें हुण मेरे को सारा मटीरियल है उन्होंने मैंने रैप किया होया कि रैप किया हो वायर के नाल। जो वायर के नाल रैप करता तो वो मैंने कुछ मटीरियल ले लिया जिमें कि आ मटीरियल ले लिया, आ मटीरियल का ये भी तो वायरस रैप ने। यह मटीरियल की पहला मैं कि कढ़ूँगी सोलेनोइड की तरह बिहेव करवाऊँगी बार मैगनेट की तरह, फिर उस तो बाद मैं सारे मटीरियल का फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओके बेटा, तो मैंने एवें एक समॉल ले लिया समॉल एलीमेंट ले लिया। समॉल एलीमेंट का अपने समॉल एलीमेंट के विद रिस्पैक्ट पी पॉइंट से की फाइंड आउट करना मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना। समझ आ गया, मैंने पी पॉइंट ला लिया उथे। तो मैंने आ एंड का जोड़ा रेडियस ने जोड़े सर्कुलर कॉल की तरह बिहेव कर रहे हैं वह रेडियस मैंने ए ला लिया, वह रेडियस मैंने ला लिया ए एंड आ मैंने ला लिया सेंटर। आ एक्सिस आ गई अपनी है ना, इतने पी पॉइंट से मैंने फाइंड आउट करना है। आ वाली लेंथ मैंने सेंटर तो एल ले ली, आ वाली सेंटर तो मैंने एल ली। तुम्हें पता ही है मैगनैटिक डायपोल के अपने को टोटल लेंथ कि होंगी है टू एल होंगी है ना। जिहड़ा आ एलीमेंट है वो थिकनैस मैंने डी एक्स ले ली एंड जिहड़ी मेरे को सेंटर तो इस एलीमेंट तक की डिस्टेंस आ वो मैंने ले ली एक्स। ए तक तुम समझ आ गया। हुण देखो आप जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया तुम मैं तुम्हें एक टॉपिक करवाया सी मैगनैटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉयल करंट कैरिंग करंट एवें सी ना। वो तो देखो एवें अपने को एक कॉयल सीगी वो सेंटर तो पी पॉइंट तक अपने मैगनैटिक फील्ड नू फाइंड आउट किया। समझ आ गया, वो वाली डिस्टेंस नू अपने आर लिया सीगा। ठीक है, आ वाला फॉर्मूला आप यूज़ करांगे, आ वाला अपने फाइंड आउट किया सी ना मैगनैटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर। हुण देखो आ एक्सिस ही है ना इस तरह की हुई है, देखो इस तरह की एक्सिस ही है उत्थे फाइंड आउट ही करना। उमें मैंने एक करंट एलीमेंट लै लिया उत्थे अपने जिमें इतों फाइंड आउट किया अपने को उमें रिंग बन रही सी। इस तरह का आप मतलब ए टॉपिक तो ही स्टार्ट होना। समझ आ गया, उतों मैंने सेंटर तो पी तक की डिस्टेंस आर ली सी, इतों भी मैंने ओ तो पी तक की डिस्टेंस की लै ली आर लै ली। बट हुण मैंने की करना है आ वाले कर एलीमेंट तो लैके पी पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मैं पता भी इतों तो इत तक की डिस्टेंस एक्स है, जो मैंने आ वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इन्नी डिस्टेंस मैं इन्ने के घटा दूंगी, जिहड़ी बाकी बचूगी वो मेरे को रह जूगी इतों लैके मतलब एलीमेंट तो लैके पी पॉइंट तक की डिस्टेंस रह जूगी। समझ आ गया, मेरे को ना आ वाला फॉर्मूला आपने कढ़िया सीगा उदो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई। तुसी जे तुहाने ए वाला टॉपिक नहीं किया ना पहला ए वाला टॉपिक करो
फिर तुहानू समझ आऊगा म्यू नॉट बाय 4π 2π एन आई ए स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र 3y2 ठीक है। जां फिर मैंने की किया इनू ये कटाता इतने की रह गया 2 तो मैं 2 लिख लिया ठीक है। तो अपने को बिकॉज ऑफ समॉल एलीमेंट क्योंकि आप फिजिक्स के टोटल एलीमेंट में तो ड्राइव नहीं कर सकते तो मैंने समॉल एलीमेंट लै लिया तो मैगनैटिक फील्ड भी मेरा की होगा समॉल होगा मैगनैटिक फील्ड भी मेरा की होगा समॉल तो मैंने समॉल लै लिया। तो मेरे को इतने की एन की है एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न एन इज़ द नंबर ऑफ टर्नस मतलब जिम्मे मैंने आ मटीरियल लिया से ना ये उपर जन को वायरस अपने लपेटियां ने वाली हैं नंबर ऑफ टर्नस तो वैल्यू की है वो वैल्यू मैंने लिखी हुई है एन डी एक्स देखो एन डी एक्स किमें आती है एन इज़ द नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ किन्नी लेंथ है एन इज इक्वल टू एन अपॉन एल किन्नी लेंथ अपनी किन्नी थिकनेस हैगी किन्नी थिकनेस आई अपने को डी एक्स तो अपने को एन अपॉन डी एक्स मतलब एन डी एक्स इज इक्वल टू एन तो मैंने एन की थां की पुट करता एन डी एक्स हूँ आ गया अपने को ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर हूँ अपने को ए स्केयर का रेडियस आ गया अपने को सिंपल डिस्टेंस एक्स स्केयर की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करोगे उत्थे मैंने लिखता आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्केयर तो एज इट इज़ ही आ गया ए स्केयर की थां मैंने की लिखा ए स्केयर की थांते एक्स स्केयर तो एज इट इज़ आ गया की आ गया ए स्केयर की थांते की आ गया अपने को डिस्टेंस है ना डिस्टेंस यदि कि होगी अपने ए एलीमेंट तो लैके पी पॉइंट तक की डिस्टेंस पता करनी है तो अपने को डिस्टेंस कि आई आर माइनस एक्स का स्क्वायर समझ आ गया तो मैंने लिखता आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्केयर 3/2 आ तुम समझ आ गया एन की वैल्यू मैंने एन डी एक्स हूँ कहना फार मैगनैटिक फील लाइन यदा मतलब की है भी फॉर शॉर्ट डायपोल का मतलब की है भी जे मेरे को जितने पी पॉइंट पर मैंने मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना है जे मेरे को बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होगा मेरे को जी आवली डिस्टेंस होगी आवली जी डिस्टेंस होगी आर ये बहुत ज़्यादा की हो जूगी ग्रेटर हो जूगी ये डिस्टेंस ग्रेटर हो जू एक्स की वैल्यू समॉल हो जू आवली एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा समॉल हो जानी है एंड एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा समॉल हो जानी है दैन अपने को जो ए है आवला जो रेडियस है ए भी समॉल हो जाना दैन मैंने लिखा हुआ भी आर ग्रेटर दैन ए भी जी आवली डिस्टेंस है मेरी वो तो वध ही जानी है पी पॉइंट तक की तो आर ग्रेटर दैन एक्स तो मैंने लिखता डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आ एन डी एक्स आर आई स्केयर अपॉन टू दोनों की खत्म करता मैंने आ एक्सा दोनों खत्म करती हैं तो आर स्केयर 3/2 रह गया स्केयर न स्केयर कैंसल कर ला कि रह गया आर दी क्यू समझ आ गया हूँ अपने को आ गया समॉल एलीमेंट दिल्ली मैगनैटिक फील्ड अपन ने टोटल मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना टोटल मैगनैटिक फील्ड कितों तो कितना क्ढा टोटल मैगनैटिक फील्ड अपने को मान लो आपने को नॉर्थ पोल है अपने को साउथ पोल है मतलब आपने को एंड है ना तुसी कित्ता होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप पॉजिटिव लें इधर वाली डिस्टेंस की लें नैगेटिव तो आप इतने तो इतना क्ढना तो अपने को माइनस एल टू की आऊगा प्लस एल तो अपने को आ गया माइनस एल टू प्लस एल हूँ तो अपने को देखो आ डी बी आया अपने को आया आ वाला डी बी आया है ना तो अपने को है आ भी म्यू नॉट भी कॉन्सटेंट नंबर ऑफ टर्नस आई ए स्क्वायर 2r³ सारा कॉन्सटेंट कला क्या जिद डी लग्या हुआ डी एक्स तो डी बी इज इक्वल टू आ तो सारे कॉन्सटेंट आ गए मतलब आ वाली सारी सीरी की आ गई कॉन्सटेंट आ गई कल की आ गई अपने को डी एक्स तो डी एक्स वेरीएबल है तो मैंने डी एक्स लगाता माइनस एल टू एल हूँ तो पता ही है कि जो आप डी एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो की हों अपने को डेरीवेटिव इंटीग्रेशन का उल्टा एंटी है तो कट्टा जाता अपने कोई एक्स रहेगी लिमिट माइनस एल टू प्लस एल तो अपने को पुट होगी पहला अपर लिमिट एल फिर लोअर लिमिट सेंटर के माइनस मतलब एवें पुट करोगे तुम एल माइनस ऑफ माइनस एल तो कि रह गया एल प्लस एल मतलब कि 2l ठीक है। हुण मैंने की किया थोड़ी जी डेरीवेशन ईजी बनाने के लिए मल्टीप्लाई तो डिवाइड करता पाई दे जो मल्टीप्लाई तो डिवाइड किया मैंने पाई दे गया म्यू नॉट एन आई पाई ए स्केयर अपॉन 2π r³.2l तो हम पाई ए स्केयर की होंगे एरिया होंगे मतलब पाई आर स्क्वायर आप सर्कल का एरिया लेने तो की आ गया ए आ गया उस तो बाद अपने को आ गया 2π r³ हूँ एन आई ए की होंगे तो पता ही है मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट होंगे तो ये टॉपिक्स करने के लिए ना पहले तो चंगी तरह पिछले टॉपिक समझ आने जरूरी होंगे तो पहले जिन्हें ए वाला भी नहीं टॉपिक देखे हो तो पहले वो देखो भी अपने को मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी आती है एन आई ए पुट करता एन आई ए ठीक है
एन आई पुट करता तो मैंने एम की वैल्यू लिखती। देखो म्यू नॉट एम वैक्टर टू पाई आर क्यूब, ठीक है। या फिर इस तो बैटर होर नुमेरिकल्स के ये फॉर्मूला यूज़ होंगे, इनू एज इट इज़ ही याद कर लियो। तो मैं की किया इनू टू नाल मल्टीप्लाई करता, टू नाल डिवाइड करता, तो म्यू नॉट टू एम नीचे क्या गया 4.0, क्योंकि ना यदि वैल्यू एज इट इज़ होंगी है किन्नी होंगी है, यदि वैल्यू किन्नी होंगी है 10^-7। तो एज इट इज़ आप पुट करके आप आंसर कर सकते, जो अपने को मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट हो फिर एन आई ए होर हो डिस्टेंस, तो आप एज इट इज़ फाइंड आउट कर सकते हैं भी मैगनैटिक फील्ड की आऊगा ऑन द एक्सिस किन्ना आऊगा ऑफ द सर्कुलर कॉइल किन्ना आऊगा अपने को मैगनैटिक फील्ड आप फाइंड आउट। हूँ तुम्हें याद आ रहा होगा भी जोड़ा ये मैगनैटिक फील्ड है, ये मैंने पिछे भी क्या ना म्यू नॉट टू पाई अपॉन 4π जो मैंने किते क्या आ देखो जो मैंने फाइंड आउट किया मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सल लाइन। देखो शॉर्ट डायपोल दे मेरे को आई वैल्यू आ रही थी ना सॉरी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π2 m वैक्टर अपॉन आर क्यू, ठीक है जी। ए भी एक्सिस दे है ना, ए भी एक्सिस दे है तो वह भी मैं एक्सिस दे कट रही हूँ, तो इस करके अपने को जो मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट जो मैगनैटिक फील्ड आया है तो वह की आया सेम आया एक्सिस दे है ना। तो मैं इस तो यही लिख सकती हूँ भी जो बार मैगनेट है तो सोलिनोइड आ बार मैगनेट एंड सोलिनोइड, क्योंकि बार मैगनेट के भी अपने को दो होंगे ने नॉर्थ पोल तो साउथ पोल उमें क्ढे अपने है ना, करंट कैरिंग कॉयल में भी अपने बार मैगनेट के थ्रू शो किया फिर उस तो बाद मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट फाइंड आउट किया। एवें ये दिस प्रूव दैट बार मैगनेट एंड सोलिनोइड बिहेव सेम, क्यों? क्योंकि बार मैगनेट के भी दो पोल्स होंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड अपने सोलिनोइड मैनू भी शो करता भी वन यदा एक एंड की है नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज सैकेंड पो सैकेंड जरा एंड कि तरह बिहेव कर रहा साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा। इस तो अपन प्रूव हो गया भी जोड़ा बार मैगनेट आ वह किस तरह बिहेव कर रहा सोलिनोइड की तरह, या फिर सोलिनोइड की तरह बिहेव करता बार मैगनेट की तरह बिहेव करता। ओके बेटा थैंक यू, ये टॉपिक चंगी तरह कर लो, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस टॉपिक के ना नुमेरिकल्स भी आ जाते हैं, ज़्यादातर नुमेरिकल्स वाला फॉर्मूला ही होंगे लगता है, इस करके ये वाला फॉर्मूला तुम याद करना रिमैम्बर ताकि थोड़े तो एज इट इज़ उ फॉर्मूला लग जाए ये वाला। ओके बेटा थैंक यू।